उधर झांसी में केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद उमा भारती की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्य सतर्कता और निगरानी समिति की बैठक हुई। बैठक में विभिन्न दलों के जनप्रतिनिधियों और कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के में उमा भारती के अलावा बीजेपी के जालौन गरौठा सीट से सांसद भानु प्रताप वर्मा, बीजेपी सदर विधायक रवि वर्मा, बीएसपी विधायक कृष्णपाल राजपूत भी मौजूद रहे। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा कि झांसी में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए बड़ी योजना जल्द शुरू होगी, जिससे अगले कई सालों तक पेयजल की समस्या शुरू नहीं होगी। तो वहीं इससे पहले बैठक के दौरान उमा भारती सोती नजर आई। अफसरों, नेताओं और पत्रकारों के कैमरों के बीच उमा भारती काफी देर तक झपकी लेती और आंखें बंद की हुई दिखी। एक और जिलाधिकारी बैठक के संबंध में जानकारियां दे रहे थे, तो वहीं बैठक में उमा भारती नींद में झपकी ले रही थी। कोई भी योजना एक तो पूरी होने के लिए जो एक समन्वित कार्य है उसका अभाव रहता है, जिसमें कि मैंने तो ये कहा है कि सबसे पहले जनप्रतिनिधिगण ये देखें कि हम अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं कि नहीं। तो अगली बार एक नई योजना हम शुरू करने वाले हैं, जैसे मैंने तब अपने पवा गांव में की थी कि शराब पीना छोड़ दो, और आपको पता होगा वहां गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि हम नहीं पियेंगे। और इसी प्रकार से मैंने यहाँ एक नई बात शुरू की है कि अगली निगरानी समिति 90 दिन के अंदर हो जाएगी, और इस निगरानी समिति की बैठक से पहले हमारी निगरानी समिति होगी, जिसमें कि सभी जनप्रतिनिधि मुझे बताएंगे कि सांसद के नाते मुझे क्या करना है। झांसी के लिए पेयजल योजना आने वाली है बहुत बड़ी, और जिससे 40-50 साल तक झांसी के लिए पीने के पानी का संकट नहीं रहेगा।